वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जेसीबी। आज हम लोग इडियोमेट्री के कंसेप्ट और सवाल को समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे? इसको स्टाइकियोमेट्री के फॉर्मूले से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है AA plus BB gives CC plus DD, where capital A and capital B are reactants, capital C and capital D are products, छोटा ABCD है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या फिर बैलेंस रिएक्शन के नंबर्स। तो नॉर्मली स्टाइकियोमेट्री में कैसे सवाल आते हैं? एक रिएक्टेंट का मोल देके पूछता है दूसरे रिएक्टेंट का मोल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, या एक रिएक्टेंट का मोल देके प्रोडक्ट का मोल पूछता है कितना रिएक्टेंट कितना बनेगा। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है। वो क्या है? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड अपॉन बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड अपॉन सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड अपॉन डी। अब मान लीजिए एक रिएक्टेंट का मोल देके दूसरे रिएक्टेंट का मोल पूछता है, तो आप बस ये दोनों चीज यूज कर लीजिए। अगर एक रिएक्टेंट का मोल देके दूसरे प्रोडक्ट का पूछता है, तो आप ये दोनों यूज कर लीजिए। इसमें नॉर्मली स्टाइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस पता होते हैं बैलेंस रिएक्शन में। आपको एक का मोल देके दूसरा का मोल पूछता है, तो सिंपल एक वेरिएबल एक इक्वेशन सवाल बन जाता है। हम इसी फॉर्मूले को वॉल्यूम एनालिसिस ये सो कॉल्ड एडियोमेट्रिक को समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं उस सवाल को। तो हम लिख सकते हैं बच्चा पार्टी कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो n कैन बी रिटन एज बच्चा पी वी अपॉन आर टी। अब जब भी हम वॉल्यूम एनालिसिस या इडियोमेट्रिक करते हैं, तो वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये पूरा चीज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एज n बराबर k, एक कांस्टेंट ले लेते हैं ओवरऑल इस चीज को और v से रिप्लेस कर देते हैं। तो जहां जहां मोल्स है, हम मोल्स को k इंटू वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? k इंटू वॉल्यूम ऑफ a रिएक्टेड अपॉन a, k इंटू वॉल्यूम ऑफ b रिएक्टेड अपॉन b is equal to k into volume of c produced upon c is equal to k into volume of d produced upon d। अब क्योंकि k सब में है, तो सबसे कॉमन हटा देते हैं। अगर हट जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? volume of a reacted upon a is equal to volume of b reacted upon b is equal to volume of c produced upon c is equal to volume of d produced upon d। तो नॉर्मली हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप सिंपली मोल्स जहां पे लिखा था स्टाइकियोमेट्री वाले फॉर्मूले में, आप मोल्स को वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आइए एक इडियोमेट्री का सवाल बनाते हैं। अब यह सवाल है 5 लीटर ऑफ अल्केन रिक्वायर्स 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन इफ वॉल्यूम आर मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको अल्केन निकालने बोला है। तो सिंपल है यहां पे कि एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम देके दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी दे दिया है, और हमसे कहीं ना कहीं अल्केन पूछा है, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस वो जानना चाहता है। तो ये थोड़ा टफर साइड पे सवाल है, इसको अगर आप सीख जाएंगे तो लल्लू सवाल भी आप बना ही लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अल्केन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो कंबशन होता है अल्केन का या हाइड्रोकार्बन का, और वो CO2 और H2O देता है। तो अगर हम एक जनरलाइज ले लें रिएक्टेंट कि हमारा अल्केन है ये CXHY, वेर यू शुड नो कि Y विल बी इक्वल टू 2X+2। वाई बिकॉज इट इज अल्केन, अल्केन होगा तो Y का वैल्यू 2X+2 होगा। ये O2 के साथ रिएक्ट करता है या कंबशन करता है और CO2 और H2O देता है। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स हो जाएगा कार्बन, क्योंकि एक्स कार्बन है, वाई हाइड्रोजन है, तो ये वाई बाई टू कर देते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स प्लस वाई बाई फोर हो जाएगा। तभी यहां पे ऑक्सीजन के एटम 2x प्लस वाई बाई टू हो जाएंगे। यहां पे ऑक्सीजन देखो 2x प्लस वाई बाई टू है। अच्छा, अब हम लोग इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दे दिया गया है, हमको कहीं ना कहीं एक्स और वाई निकालना है, और वाई ऑब्वियसली इज इक्वल टू 2x+2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ CXHY रिएक्टेड अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड, रिएक्टेड वर्ड नहीं लिख रहे, समझ में आ जा रहा है ऑब्वियसली, x प्लस वाई बाई फोर। अब इनकी वैल्यूज कितनी दी गई है बच्चा पार्टी? तो यहां पे ये 5 दिया गया है अल्केन 1, ये 25 दिया गया है अपॉन x प्लस वाई बाई फोर। इसको हम काट सकते हैं, तो सॉल्व करने पे कितना आ जा रहा है बच्चा, x प्लस वाई बाई फोर बराबर 5 आ जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2x+2 बाई 4 इक्वल टू 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 20, तो 6x बराबर 18 हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा बच्चा। तो 3 कार्बन होंगे बेसिकली। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो क्या ऐसा कोई है जिसमें 3 कार्बन का अल्केन हो? 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है? सी प्रोपेन हो जाएगा। तो 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन हो जाएगा बच्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा।